फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन बीन्स की सब्जी यानी लोबिया की सब्जी, इसे बरबट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैंने लिया है, आप देख रहे होंगे, आलू, इसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ लिया है प्याज और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, और मसाले में मैंने लिया है, देख रहे होंगे आप, 2 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर, उसे कट करके मैंने रख लिया है। और इस सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है तेल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, आप देख रहे होंगे, और पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं हम तेल। तेल यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच डालूंगी, आप देख रहे होंगे। अब तेल गर्म हो जाने देते हैं, इसके बाद इसमें डाल देंगे जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब जीरा डाल देते हैं। जीरा को हम हल्का भून जाने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज। तो आप देख रहे होंगे जीरा हमारा भून चुका है, अब डाल देते हैं इसमें प्याज। और प्याज को हमें 2 मिनट भूनना है, प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम टमाटर डालेंगे। इस तरह से इसे चलाते रहें, हमें इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। आप देख रहे होंगे प्याज हमारा भून चुका है, इतना ही हमें भूनना है। अब यहाँ डाल देंगे टमाटर, टमाटर पूरा डाल दें। यहाँ डाल दिया मैंने टमाटर और इसे 2 मिनट हम भूनेंगे टमाटर को प्याज के साथ में। इस तरह से चलाते रहें और गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। अब यहाँ चलाते रहें, 2 मिनट हमें भूनना है इसे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। अब 2 मिनट हो गए भूनते हुए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें या सब्जी की मात्रा के अनुसार डालें। नमक डाल दिया मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएं ताकि टमाटर हमारा जल्दी गल जाए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल दें इस तरह से। अब यहाँ हम डालेंगे मसाला। मसाले में सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। अब डालेंगे मसाला। मसाले में सबसे पहले डाल रही हूँ यहाँ हल्दी पाउडर, तो चलिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं इस तरह से। इसे डाल दिया मैंने, अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, इस तरह से प्रेस करते जाएं। अब धनिया पाउडर डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम में नहीं बनाएंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। धनिया पाउडर पूरा डाल देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, एकदम सिंपल तरीके से, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी सब्ज़ी सबको पसंद आती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मिर्च पाउडर इस तरह से, और अभी गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च हम अभी नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से प्रेस करते जाएं। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक किनारों से तेल अलग ना हो जाए, तो इसे आप चलाते रहें, इस बात का ध्यान रखें, छोड़े नहीं, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और जब किनारों से तेल दिखने लगेगा तब आप समझ जाएं कि मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। और आप देख रहे होंगे मसाले का कलर भी चेंज हो गया है और किनारों से तेल दिख रहा है, मतलब मसाला हमारा भून चुका है। अब यहाँ हम डाल देंगे आलू। आप चाहें तो आलू और ग्रीन बीन्स को आप पहले फ्राई करके रख लें, उसके बाद मसाले में डालें, लेकिन यहाँ मैं ऐसे डायरेक्ट डाल रही हूँ। इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ डालेंगे हम ग्रीन बीन्स। अब उसे हम डाल देते हैं पूरा, आप देख रहे होंगे, अब इसे डालेंगे और इसे डाल के हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से डाल देना है आराम से और मसाले में अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। यहाँ आप देख रहे होंगे मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है सब्ज़ी हमारा। तो अब हम डालेंगे यहाँ गरम मसाला और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसे ज़रूर डालें, कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कवर कर करके इसे पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि जले नहीं। अभी हम यहाँ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अभी भूनना है सब्जी को मसाले के साथ में।
तो इस तरह से चलाते रहें बीच बीच में, और ढक ढक के फिर उसे छोड़ दें इस तरह से, ताकि हमारा आलू और जो बरबट्टी है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने चला लिया और इसे फिर से कवर करेंगे हम। अब यहाँ पानी डाल रही हूँ मैं, सब्जी हमारा अच्छे से मसाले के साथ भून चुका है, तो अब यहाँ मैंने पानी डाल दिया। इस तरह से मिक्स कर लेना है, और जितनी ग्रेवी रखें रखना चाहें उतना ही पानी डालें। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसे हम कवर कर देंगे ताकि हमारा आलू और ये जो बरबट्टी है अच्छे से पक जाए, और बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो चलिए इसे ढक देते हैं पहले, और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब इसे ढक देते हैं और बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। तो चलिए हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं आलू हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। आप देख रहे होंगे सब्जी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इस तरह से ग्रीन बीन से वो भी पक चुका है और आलू भी हमारा पक चुका है। आलू को हम चेक करके एक बार देख लेंगे कि आलू हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो आप एक बार चेक कर लें ज़रूर। ग्रेवी हम इतना ही रखेंगे। यहाँ मैं आलू चेक कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आलू हमारा बिल्कुल पक चुका है, तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे हम यहाँ। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ, तो चलिए निकाल लेते हैं हम पहले। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। और अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।